अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? ए जी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। पद्मावत के 4 साल बाद आ रही संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही इस फिल्म के बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही है। महानगरी मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की लेडी डॉन गंगूबाई की कहानी पर आधारित यह फिल्म पिछले काफी वक्त से कोविड की वजह से लगातार रिलीज होने से टल रही थी, लेकिन फरवरी के इस महीने में आखिरकार गंगूबाई सिनेमाघरों में होगी। आलिया भट्ट स्टारर पीरियड ड्रामा गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई के किरदार में है, जबकि आलिया के साथ जिम सरब, अजय देवगन, विजय राज, सीमा पाहवा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रही है। यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। फिल्म में आलिया ने मुंबई के कमाठीपुरा की माफिया क्वीन गंगूबाई का रोल अदा किया है। यूं तो गंगूबाई के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन किताब के मुताबिक वह दूसरी तमाम लड़कियों की तरह फिल्मी दुनिया में हीरोइन बनकर अपनी किस्मत चमकाने मुंबई आई थी, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियों ने उसे कमाठीपुरा की तंग गलियों में जिस्म फरोशी के धंधे में उतरने पर मजबूर कर दिया। लिखो, माँ का नाम गंगूबाई और बाप, बाप का नाम क्या लिखें? माँ का नाम काफी नहीं है ना, चलो बाप का नाम देवानंद। कमाठीपुरा की एक सेक्स वर्कर के रूप में आलिया भट्ट के कई रूप की झलकी ट्रेलर में देखने मिलती है, जिसमें गंगूबाई को जिस्म फरोशी के धंधे में धोखे से झोंक दिया जाना, फिर कमाठीपुरा में देह व्यापार के सौदागरों से गंगूबाई की भिड़ंत और तीसरा अजय देवगन यानी करीम लाला की एंट्री के बाद गंगूबाई का रुतबा। हालांकि ऐसा लगता है कि संजय लीला भंसाली 3 मिनट 15 सेकंड के ट्रेलर में सिर्फ गंगूबाई से ही लोगों को मिलाना चाहते थे, जिसमें वह सफल होते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन फिल्म की कहानी का पता ट्रेलर से बिल्कुल नहीं चलता। गंगूबाई का किरदार निभा रही आलिया भट्ट की डायलॉग डिलीवरी ट्रेलर में थोड़ी कमजोर जान पड़ती है। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। वही कुछ सीन्स में आलिया का मेकअप भी जरूरत से ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले फिल्म का इंतजार जरूर कर लेना चाहिए। वही ट्रेलर में रजिया बाई का किरदार निभा रहे विजय राज अपनी अलग छाप छोड़ने में बेहद कामयाब रहे हैं। मुझे तेवर दिखा रही है, तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। कमाठीपुरा रजिया बाई का था, कमाठीपुरा रजिया बाई का रहेगा। तो वही अजय देवगन की बात करें तो करीम लाला के तौर पर अजय का किरदार वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सुल्तान की याद दिलाता है। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। फिल्म के ट्रेलर में भंसाली के निर्देशन की झलक साफ दिखाई देती है। भंसाली ने कमाठीपुरा को जिस तरह से दिखाया है वह सेट और कॉस्ट्यूम असरदार नजर आ रहे हैं। वैसे भी भंसाली भव्य शेट्स के लिए मशहूर है और गंगूबाई काठियावाड़ी में भी दर्शकों को इसे देखने का मौका मिलेगा। बड़े पर्दे पर आलिया भट्ट इससे पहले 2019 में गली बॉय में नजर आई थी। करीब 3 साल बाद आलिया बड़े पर्दे पर दोबारा दिखेंगी और वापसी के लिए लेडी डॉन का किरदार और साथ में संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन से अच्छा क्या ही मौका हो सकता है। गंगूबाई का ट्रेलर तो समा बांधने में कामयाब रहा, लेकिन फिल्म के लिए हमें करना होगा 25 फरवरी तक का इंतजार। इस ट्रेलर रिव्यू में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।